हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इज जंपिंग एनिमल्स। यह जो टॉपिक है वो हमारी मैथ्स मैजिक के जो चैप्टर हैं क्लास फोर्थ में टेबल्स एंड शेयर से लिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखेंगे जंपिंग एनिमल्स। जंपिंग एनिमल्स मतलब जानवरों की कूद, है ना। यहाँ पर कुछ जानवर जो हैं वो कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं। डू यू रिमेम्बर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास थर्ड? क्या तुम्हें पता है हमने पिछली क्लास में, क्लास थर्ड में, यह जो चैप्टर है जंपिंग एनिमल्स का एक पूरा जो चैप्टर था हमने रीड किया था, उसको पढ़ा था। ए फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जो फ्रॉग है, मेंढक है, वह जीरो से स्टार्ट करता है कूदना। वह कहाँ से स्टार्ट करता है? जीरो से कूदना स्टार्ट करता है। और वन टाइम में कितने स्टेप खुद जंप कर रहा है? वो 3 स्टेप्स वो जंप कर रहा है ना। तो समझ में आया आपको, वन स्टेप में कहाँ चला जाएगा? 3 पर, है ना। यहाँ पर इसने क्या किया, एक नंबर सा यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर 3 से नेक्स्ट टाइम में कहाँ जाएगा? वो 6 पर चला जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है वो 3 स्टेप्स जंप कर रहा है। कितने स्टेप जंप कर रहा है वो? 3 स्टेप्स। फिर हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे 6 से कहाँ चला जाएगा? 9 पर। 9 से 12 पर, और 12 से 15, और 15 से 18, 18 से 21, है ना। ऐसे ये क्या करता जाएगा? जंप करता जाएगा। क्वेश्चन बनता है हमारा कि काउंट द जम्प्स, काउंट द जम्प्स ही टेक्स टू रीच 27। काउंट में मीन्स होता है गिनना। द जम्प्स मतलब उसकी छलांगे हमें गिनना है। ही टेक्स टू रीच 27। वह 27 पर कब पहुंचता है, या कितने जंप में वह 27 पर पहुंच रहा है, काउंट कीजिए। हम देखते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 जंप में वो कहाँ पहुँचा बच्चों? 27 पर। कितने जंप उसको करने पड़ेंगे, कितनी बार जंप करना पड़ेगा? 9 टाइम उसको जंप करना पड़ेगा, तब वह 27 पर पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर वही बताना था आपको, है ना। काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। काउंट कीजिए कि वो कितने टाइम जंप करेगा कि 27 पर पहुँच जाए। इसको हम एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 27 है इसमें किसका डिवाइड कर देंगे? देखो, वो वन टाइम में 3 स्टेप्स जंप करा है, इसलिए हम इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 3 की टेबल हमें इतने टाइम बोलना है, या तो 27 आ जाए या लेस देन 27 आए। करते हैं 3 9 जा 27। 3 की टेबल में कितने टाइम में 27 आते हैं? 9 टाइम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 0, ये 0। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आया है 9। कितना आया है? 9। यानी कि उस फ्रॉग को 9 जंप करने पड़ेंगे, कहाँ पर पहुँचने के लिए? 27 पर पहुँचने के लिए। तो हम बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, उसको 9 जंप यहाँ पर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारा, ही हैज टेकन जंप्स इफ ही इज एट 36। उसको कितने जंप करने पड़ेंगे, या फिर ये बताइए कि वो 36 पर आ गया है। कहाँ आ गया? वो 36 पर आ गया है, तो उसने कितने जंप किए होंगे, या बताना है हमें। क्या बताना है? कि वह 36 पर पहुंच गया है, तो बताइए उसने कितने जंप किए होंगे, कितने टाइम उसने जंप किया होगा। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इसको या तो 1 बाय 1 हम काउंट कर सकते हैं, या जो 36 हैं उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, माइनस किया, 0 हो गए। ऊपर से हम 1 डिजिट ड्रॉप करेंगे बच्चों, 6 ड्रॉप कर लिया हमने। 3 2 जा 6, और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और आंसर क्या आ जाएंगे हमारे? 12। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? 1 2 12, यानी कि उसको कितने टाइम जंप करना पड़ा तब वो 36 पर पहुंचा? तो उसको
12 टाइम जंप करना पड़ा। ओके बच्चों, आया आपको समझ में? नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही इज एट 42, यदि वह 42 पर जाना चाहे, ही हैज टेकन जंप, यदि वो 42 पर अगर पहुंच गया है, कहां पर पहुंच गया वो 42 पर, वो जो है मेंढक फ्रॉग, वो 42 पर पहुंच गया है, ही हैज टेकन ब्लैंक जंप्स, तो उसने कितने जंप किए होंगे, कितने टाइम उसने जंप किया तब वह 42 पर पहुंचा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं कि जो 42 हैं उसमें किसका डिवाइड करना रहता है बताएं ज़रा, 3 का। क्यों करेंगे 3 का डिवाइड? क्योंकि वो वन टाइम में 3 स्टेप जंप कर रहा है, इसलिए हम 3 यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल इतने टाइम तक बोलेंगे कि या तो 4 आ जाए या लेस देन 4 आए, है ना, हमें 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो या तो 4 आ जाए या लेस देन 4 आए। तो 3 1 जा 3, माइनस किया हमने, 4 में से 3 माइनस कर लो, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से 2 हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, वापस से हम 3 की टेबल इतने टाइम तक बोलेंगे 12 आ जाए, है ना। तो 3 4 जा 12, और क्या कर देंगे इनको, माइनस कर देंगे। अच्छा, 12 में से 12 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 0 0, ऊपर से कुछ ड्रॉप करने के लिए नहीं बचा। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको कि जो है 42 पर पहुंचने के लिए कितने टाइम जंप करना पड़ा इसको, 14 टाइम इसको जंप करना पड़ेगा तब यह 42 पर पहुंच पाएगा। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि उसने 14 जंप किए होंगे तब वह 42 पर पहुंच पाया है। ओके, नेक्स्ट टर्म देखें, बच्चों यहां पर हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ए रैबिट जंप 5 स्टेप्स एट ए टाइम, और उसी समय जो रैबिट है वो कहां से कूदना स्टार्ट कर रहा है, जीरो से वो कूदना स्टार्ट कर रहा है, और वन टाइम में कितने स्टेप जंप करता है वो 5 स्टेप जंप कर रहा है ना। रैबिट जो है वो उससे ज़्यादा कूद लेता है, उससे ज़्यादा जंप कर लेता है, इसलिए वो वन टाइम में 5 स्टेप्स जंप कर रहा है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी जंप्स कितने जंप उसको करने पड़ेंगे, डज ही रीच 25, उसको कितने जंप करने पड़ेंगे कि वह 25 पर पहुंच जाए। तो बताइए कितने जंप करने पड़ेंगे, वो वन टाइम में कितने जंप कर रहा है, 5 जो हैं स्टेप्स वो जंप कर जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 25 स्टेप्स उसको जंप करनी है, तो कहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। बताइए 5 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो वन टाइम में 5 स्टेप्स जंप कर रहा था, इसलिए 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि 5 की टेबल हमें इतने टाइम तक बोलनी है कि या तो 25 आ जाएँ या 25 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल में 25 कितने टाइम में आ रहा है, 5 टाइम में, 5 5 जा 25, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 25 और क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, यानी कि वो जो रैबिट हैं वो 5 जंप करेगा, 5 टाइम्स जंप करेगा तब वह 25 पर पहुंच पाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो रैबिट है उसने कितने जंप किए थे, उसने 5 जंप किए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टर्म देखें, ही रिचेज आफ्टर टेकिंग 8 जंप, ये बताइए कि वह 8 जंप के बाद कहाँ पर पहुँचेगा, है ना, 8 जंप के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा। देखो अब बात यहाँ पर ये है कि वो उसको 8 जंप लगाने हैं, 1 जंप में कितना जा रहा है, वो 5 नंबर पे जा रहा है, तो 8 जंप में कहाँ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, हम क्या बताएंगे यहाँ पर, उसका मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। तो 8 5 जा कितना होता है, 40, 8 5 जा कितना होगा, 40, यानी कि वो कौन से नंबर पर पहुँचेगा, वो 40 पर पहुँच जाएगा, ये ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40, नेक्स्ट देखें, ही नीड्स
जम्प्स टू रीच 55, उसको ही नीड्स मतलब उसे नीड मतलब जरूरत है, जम्प्स मतलब कूदने की, टू रीच 55, उसको 55 तक पहुंचने में कितने जंप की आवश्यकता है, उसको कितने जंप लेने चाहिए कि वो 55 पर पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, 55 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे ताकि हम बता सकें कि उसको कितने जंप चाहिए, है ना। 5 × 5 माइनस किया 0, ऊपर से ड्रॉप किया 5, तो फिर 5 × 5 माइनस किया, ये भी 0, यानी कि हम बता सकते हैं कि उसको टोटल 11 जंप करने पड़ेंगे तब वह 55 पर पहुंच सकता है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसको 11 जंप करने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें प्रैक्टिस टाइम। ये जो हमारा है प्रैक्टिस टाइम, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको ही सॉल्व करने हैं। क्या है इसमें, 22 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2, 28 में 2 का डिवाइड करना है, तो हम इसको इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 56 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 56 में 7 का डिवाइड करना है, इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क हैं, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में सॉल्व करें होमवर्क को, और डेट वाइज आप लिखते जाएं, जिससे कि आपकी जो कॉपी हैं वो भी व्यवस्थित रूप से दिखाई दे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।